हेलो फ्रेंड्स, मैं एसपी सिंह और आप देख रहे हैं एसपी मैथ्स चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपने यूपी टीजीटी मैथ्स का फॉर्म भर रखा है और आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको हम यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका निश्चित रूप से टीजीटी में सिलेक्शन हो जाएगा। आप वीडियो के एंड तक इसको बने रहिएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। तो हम आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये लाल रंग का जो बटन है इसको दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बराबर में घंटे का बटन होगा उसे भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जो नई वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको समय से मिलता रहेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं हम आज की वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दें कि इसके लिए, इसमें सिलेक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि आप अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको कम से कम 90+ क्वेश्चन होने ज़रूरी है। अगर आप 90 से कम क्वेश्चन रहते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और अगर आप बीसी के कैंडिडेट हैं तो आपके 85+ क्वेश्चन होने चाहिए। और अगर आप एससी के कैंडिडेट हैं तो 75 क्वेश्चन होने ज़रूरी हैं। इससे ऊपर ही होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। तो चलिए अब हम देखो और आगे आपको जानकारी देते हैं। अब देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर जरा ध्यान से पढ़ें, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द रिटन एग्जाम, इंटरव्यू एंड स्पेशल क्वालिफाइंग वेस्ट। यानी कि इसमें दो प्रकार के एग्जाम होंगे, एक तो रिटन होगा और एक इंटरव्यू होगा। और जो इसमें जो रिटन इंटरव्यू है, रिटन एग्जाम है, वो 85% मार्क्स का होगा। यानी इसके अंदर जो है आपको 85% से मतलब 125 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन जो होगा वो 3.4 मार्क्स का होगा। यानी कुल मिला के 425 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होगा। टोटल एग्ज़ाम जो होगा वो 500 नंबर का होगा। यानी रिटन ही यहाँ पर सब कुछ है। अगर आपका रिटन अच्छा हो जाता है तो समझ लो आपका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का है। 125 क्वेश्चन, और इसका जो पेपर होगा, समय का जो होगा, इसका 2 घंटे का समय होगा जिसमें 125 क्वेश्चन आपको करने होंगे। और आपको बता दें यहाँ पर देखिए, और जो इंटरव्यू है वो 10 मार्क्स का होता है। 10 मार्क्स का मतलब 50 नंबर का होगा। तो 425 की तो हो गई आपकी रिटन परीक्षा और 50 नंबर का हो गया इंटरव्यू। अब आपको बता दें इस समय 40 से ऊपर नंबर किसी को भी इंटरव्यू में नहीं दिए जा सकते हैं। तो इस समय जो है, जो रिटन है वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर रहता है। इंटरव्यू में 40 से ज़्यादा किसी को नंबर नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पर एक बात और आपको बता दें, अगर आपने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है आप में, जैसे कि PhD है या DPhil है की डिग्री है, तो 2% मार्क्स आपको उसके अलग से मिल जाएंगे। आपने अगर MEd की डिग्री है तो 2% मिलेंगे और BEd की डिग्री पर 1%। यानी कुल मिला के ये 500 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनेगी और 500 में जिसकी मेरिट ऊंची रहती है उन्हीं का सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कुल मिला कितने मार्क्स का हो गया, 500 नंबर। एक देखिए, 425 रिटन हो गया, 50 नंबर का इंटरव्यू हो गया और 25 नंबर के ये जो है एक्स्ट्रा हो गई। क्या क्या, 2% का मतलब हो गया 10 नंबर की ये PhD या DPhil डिग्री, और 10 नंबर का आपका MEd डिग्री हो गया और 5 नंबर के आपके BEd की डिग्री होगा। कुल मिलाकर 500 में से इसकी मेरिट बनेगी। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं, इसके सिलेबस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। अब आपको हम पहले बता दें कि इसमें जो मैनली आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। इस पेपर के बारे में बताओ, 2 घंटे का समय होगा और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। 125 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से अभी मैंने जो आपको बताया था, बीसी वाले के लिए 85+ होने चाहिए, बीसी के लिए 85+, और जनरल वाले के लिए 90+, और जो एससी कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है 75+ होने चाहिए। अगर इससे ऊपर क्वेश्चन करते हैं तभी आपका इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। अब देखिए, इसका जो सिलेबस है इस पर थोड़ी हम चर्चा करते हैं। तो सिलेबस इसका क्या है, हमारे पास बहुत से फ्रेंड्स आते हैं और हमसे पूछते हैं कि हम किस प्रकार से TGT की तैयारी करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 125 क्वेश्चन होते हैं और 125 क्वेश्चन में से कम जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं। अगर आप उनको सॉल्व करने लगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। और इसमें आपको बता दूँ, 50 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही फर्स्ट इंटर और इंटर, यानी कि यूपी बोर्ड की जो पुरानी ओल्ड बुकें जो पुरानी हैं यूपी बोर्ड की, उसमें 50 क्वेश्चन आपको एज इट इज़ रखे हुए मिल जाएंगे। अगर आपकी अच्छी पकड़ है इंटरमीडिएट को, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इंटर का मैथ, तो आप 50 क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ मिल जाते हैं, आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम, देखिए 50 क्वेश्चंस की,
50 क्वेश्चन तो आप बड़े क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन जो आते हैं वो थ्योरी बेस आते हैं, यानी कि छोटे क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका जो थ्योरी पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका जो थ्योरी पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग है तो आप जो है इसमें केवल डायरेक्ट देख के ही टिक कर सकते हैं, यानी 50 नंबर ये और 50 नंबर बड़े। तो 50 नंबर के जो बड़े क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन जो बड़े होंगे उनको करने के लिए तो आपको फर्स्ट ईयर इंटर की जो बुक है वो बहुत अच्छे से पकड़ में होनी चाहिए। और जो 50 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये थ्योरी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो इन्हें आप देख के ही डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। और एक बात और बता दें आपको कि इंटरमीडिएट का जो यूपी बोर्ड का ओल्ड सिलेबस है उसी से रिलेटिव जो बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो भी आपको तैयार करना पड़ेगा अगर आपको इसमें अच्छी मेरिट बनानी है। और बाकी बचते हैं अब देखिए 25 क्वेश्चन। अब जो 25 क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से ट्रिक के क्वेश्चन आते हैं, उसमें थोड़ा सा हमें जो है एडवांस तैयारी करनी पड़ती है। अगर आपकी एडवांस तैयारी है यानी आपने कंपटीशन लेवल की ट्रिक्स सीख रखी हैं तभी आप वो 25 क्वेश्चंस को कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए मैंने अपने चैनल पर भी बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स डाल रखी हैं जिनकी आपको TGT में भी बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप TGT की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने जो बहुत सी वीडियो इसमें डाल रखी हैं, फंक्शंस की वीडियो डाल रखी हैं, आप उन्हें देखिएगा, आपको बहुत हेल्प वहाँ पर मिलेगी। डोमेन रेंज के क्वेश्चन भी इसमें से बहुत से आते हैं। मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन की भी शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पर डाल रखी हैं, वो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अब आपको बता दें, देखिए सिलेबस की आपसे चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर ज़्यादातर समस्या ये रहती है कि हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, कौन सी बुकों से तैयारी करें। तो आपको मैं ये बता दूं कि सबसे बढ़िया जो तैयारी है अगर आपको करना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट की जो ओल्ड बुक है हमारी 6 किताबें उनको आप बढ़िया करके कर लीजिए तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। और साथ में उन किताबों में जो सिलेबस है उसी से रिलेटिव BSc की बुक्स आप कर लीजिए तो आपका पूरा सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, आपका कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता। हाई स्कूल से ज़्यादा कुछ नहीं आता, थोड़ा सा आता है, उन्हें आप किसी भी किताब से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए हाई स्कूल से जो आता है वो वाणिज्य गणित, काम समय चाल, चक्रवृद्धि ब्याज, बैंकिंग कराधान, प्रारंभिक नियम, इससे एक दो क्वेश्चन इससे आते हैं, ज़्यादा इससे नहीं आता। सांख्यिकी से आते हैं कुछ क्वेश्चन, आपको सांख्यिकी से आपको मिलेंगे, जो हाई स्कूल वाली सांख्यिकी है उससे भी आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। और बीजगणित की बात करें तो बीजगणित में आपको देखें गुणनखंड वगैरह भी इसमें आते हैं काफ़ी, तो आप गुणनखंड वगैरह इसमें LCM वगैरह जो व्यंजक होते हैं, व्यंजक वाले LCM, SCF, इसके क्वेश्चन भी आपको आते हैं, द्विघात समीकरण से रिलेटिव क्वेश्चन भी यहाँ पर आते हैं। तो इस सिलेबस के अनुसार आप तैयारी करें। सारणिक से भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, इसमें कोई बात नहीं, इसके सारणिक और बीजगणित तो सभी स्टूडेंट्स करते हैं। आप देखिए समुच्चय सिद्धांत है, उसके बाद समुच्चय सिद्धांत में से भी क्वेश्चन आपके काफ़ी पूछे जाते हैं यहाँ पे, यहाँ और उसके बाद वास्तविक विश्लेषण, ये थोड़ा इसमें का कुछ BSc का पोर्शन है, इसमें BSc फर्स्ट ईयर से ज़्यादा कुछ नहीं आता BSc का, BSc फर्स्ट ईयर ही अगर आपने सही से कर लिया तो आपके बहुत अच्छे नंबर इसमें आ जाएंगे। और सबसे बात काम की बात आपको बता दें कि जो ओल्ड बुक है हमारी, जो हमारी ओल्ड बुक है स्टेटिक्स डायनामिक्स, उसमें क्वेश्चंस काफ़ी इस पे पूछे जाते हैं, उनके जो क्वेश्चन है आपको याद होने चाहिए। एक चैप्टर है उसमें डायनामिक्स। अब देखिए डायनामिक्स में जो संगत है, संगत से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, संगत है और प्रक्षेपी है, कार्य ऊर्जा और सामर्थ्य है और गति के नियम, इनसे काफ़ी क्वेश्चन एज इट इज ओल्ड बुक से बिल्कुल ऐसे ही रखवा जाते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से कर रखी है और आंसर आपको थोड़े से माइंड है तो उन्हें आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। तो मेरी स्टूडेंट्स को यही एडवाइस रहती है कि जो ओल्ड बुक है उनको आप करिएगा और उसमें से जो बड़े बड़े क्वेश्चन उनके आंसर को थोड़ा सा ध्यान में मेमोराइज करते रहिए, तो इससे क्या होगा आप डायरेक्ट टिक करके उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए जो स्थिति विज्ञान है आपको स्टेटिक्स, उससे भी बहुत क्वेश्चन जो ओल्ड बुक है उससे उसमें से काफ़ी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं का, और जो स्थिति वेक्टर है उससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस सिलेबस को बहुत अच्छे से देख लीजिए और साथ में जो ओल्ड बुक है उनको बढ़िया करके कर लीजिए और हाई स्कूल से ज़्यादा कुछ नहीं, बस 9th-10th के जो इसका सिलेबस है उसके अनुसार आप तैयारी कर लीजिए। और BSc फर्स्ट ईयर से आपको कौन से टॉपिक करने जो इंटर से रिलेटिव है, आप उन टॉपिकों का अगर कर लेते हैं तो आपको सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पड़ कर सकता। सबसे पहली बात जो आपको मैं बताना चाहूँगा, आपका जो थियरी पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप जो है ज़्यादातर टॉपिक को पढ़िए, पढ़ने के बाद उन पर जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको समझिए। तो इस प्रकार से आपको 125 क्वेश्चन है जिसमें से 50 क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको बड़े क्वेश्चन मिलेंगे और जो 50 क्वेश्चन है वो आपको छोटे क्वेश्चन मिलेंगे और 25 क्वेश्चन थोड़े से आपको
ट्रिक के मिलेंगे जो विशेष क्वेश्चन आपको होंगे। तो मैं समझता हूँ आपको हमारे द्वारा जो जानकारी है वो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं इसकी PDF भी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप इसको विस्तार से PDF खोल के अच्छे से इस सिलेबस को देख सकते हैं। और सभी को हमारी शुभकामनाएं, आप अच्छे से तैयारी में लग जाइए। अगर आपको कुछ और विशेष मेरे से चाहिए TGT संबंधित या कोई विशेष टॉपिक आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपकी इस समस्या का भी समाधान करने की कोशिश करूँगा। तो सबको मेरी शुभकामनाएं। अगली वीडियो तक के लिए आप SP मैथ्स चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।